हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमारू सीरीज की अगली कॉमिक्स मक्खी। भारतीय स्टेट बैंक परिसर में एक कार आकर रुकी। एक घोषणा हुई, जो जहां है वहीं बैठा या खड़ा रहे, लुटेरे वरना अपने दर्दनाक अंजाम के लिए तैयार रहे। कैश, भीड़ में से एक बहादुर, बिना हथियार बैंक रॉबरी, वह बैग तुम्हें मेरे हवाले करना होगा। तुझे अपने दर्दनाक अंजाम तूने अपने दर्दनाक अंजाम का न्योता दे दिया है बेवकूफ। आओ, युवक की चीखें गूंज उठी। पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों मधुमक्खियों का छत्ता नजर आने लगा है। युवक, बचाओ। कहते हैं शहर में घटने वाली किसी भी घटना का पता सबसे पहले एक इंसान को लग जाता है। शहर के चप्पे चप्पे पर जिसकी निगाहें गिद्ध की तरह हर पल लगी रहती हैं। परमाणु, मैं सुन रहा हूं प्रोफेसर। भारतीय स्टेट बैंक की रूपनगर शाखा को तुम्हारी जरूरत है। प्रोफेसर का कहना ठीक है, सचमुच भीतर मेरी जरूरत है। बचाओ, धड़ाक। ओ, परमाणु परमाणु। आह, भागो। आह, उफ, ये क्या। प्रोफेसर, सैकड़ों मधुमक्खियों ने मुझे घेर लिया है। तभी, ओह, पानी की बौछार। भारतीय स्टेट बैंक के परिसर में खड़ी कार एक धचके के साथ बैंक परिसर से निकल भागी। कार के पीछे ही मक्खियों की फौज कार में समा गई। प्रोफेसर, सैकड़ों बैंक के अंदर। धन्यवाद दोस्त, तुमने सही वक्त पर मेरी मदद की। सही वक्त पर यह पाइप दिखाई पड़ गया था मुझे। फिर, अभी जिंदा है पर मधुमक्खियों ने इसका चेहरा सुजा डाला है। इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इस अजीबोगरीब बैंक रॉबरी केस की जांच के आदेश जारी कर दिए गए। इंस्पेक्टर विनय, हम ये केस आपको सौंप रहे हैं। मैं शीघ्र ही असल लुटेरों के साथ उन अजीबोगरीब हमलावरों का भी पता लगा लूंगा सर। शहर के सभी बी कीपर्स की छानबीन के आदेश देने होंगे मुझे। जीप में बैठते ही चौंक पड़ा इंस्पेक्टर विनय। ओह, प्रोफेसर का मैसेज। प्रोफेसर और परमाणु के संबंध के विषय में जानने के लिए पढ़े परमाणु सीरीज की प्रथम दो कॉमिक्स परमाणु व आग। और बैंक रॉबरी में प्रयुक्त कार, वर्ष का रोमांचक मुकाबला बर्निंग फाइट, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक। आयोजकों ने अभी तक ये रहस्य बना रखा है कि ये फाइट कैसे होगी। फाइट आरंभ होने का प्रथम घंटा बजा दिया गया। अगले ही पल दर्शकों के मुंह से हैरत भरी चीखें उबल पड़ी। बर्निंग फाइट, अपने शरीर पर आग लगाकर प्रतिद्वंदी से भिड़ंत का नया सनसनीखेज खेल। हार के लिए प्रतिद्वंदी की आग को बुझाना था या उसे जान से मारना था। दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने पहुंच गए। 5 मिनट में फैसला करना है। तो दूसरी एक तरफ था लोटो तो दूसरी तरफ था रॉक। फैसला 5 मिनट में ही होगा। लोटो का अग्नि प्रहार हमारे जिस्म में लगा एस्बेस्टस का लेप से 5 मिनट तक हमें आग से बचाएगा। तब तक तुझे परास्त कर दूंगा। इस रोमांचक फाइट का आनंद लेते दर्शक उत्तेजना से भर उठे थे। लोटो लोटो। 5 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। आह, आग शरीर झुलसाने लगी है। इसे परास्त करना मुश्किल लग रहा है। मेरा शरीर जल रहा है। उफ। लोटो ने रॉक को जोर से पकड़ लिया। लोटो ने विजय गर्जना की। आह, लोटो जीत गया। अब जलन बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। मुझे भी पानी में कूद पड़ना चाहिए इससे पहले कि वो पानी तक पहुंच पाता। उफ, ये क्या। अगर तू पानी में पहुंच गया तो फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब जल्दी से कौन देगा। परमाणु, बैंक रॉबर्स में से एक तू भी था। लोटो, बोल ये सच है। इसने मुझे पहचाना कैसे। उफ, जलन, मैं जल रहा हूं। जब तक मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेगा तू जलता रहेगा। बोलो। आह, मैं मर जाऊंगा। तेरी पीठ मुर्गी की तरह रोस्ट हो जाएगी तो मैं उसे तेरे बाकी के साथियों में बांट दूंगा। नहीं। ओह, लोटो कूद पड़ा। उफ, मैं जल गया। परमाणु मुझे छोड़ेगा नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु की कॉमिक्स मक्खी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।